गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम क्या आज क्या करेंगे, आज एक पहला क्वेश्चन तो हमने इस एक्सरसाइज का कर लिया था, उसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी नेट पे। अब मैं क्या करूँगा, इसका सेकंड क्वेश्चन करूँगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने भी पहले ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि जिससे क्या टाइम कम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन सेम है जैसा कि पहला था, थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथड्स भी सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन मैंने उतार रखा है 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 ब्रैकेट क्लोज -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसमें क्या है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि हम कॉमन क्या ले पाएंगे आगे चल के। इसमें 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये टर्म और ये टर्म पास में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या करा, इसमें ये टर्म ऐसे के ऐसे कॉपी कर ली, यहाँ पर ये पूरी टर्म यहाँ आ गई और ये पूरी टर्म पीछे आ गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप देखोगे बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये टर्म और ये तीन टर्म होगी, इसका क्या हम यहाँ पर सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, ये 3 × 3 = 6, सिंपलीफाई कर दिया, 1 × 1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने क्या करा, 2/5 बाहर कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से 2/5 कॉमन लिया, बचा क्या, ये अंदर आ जाएगा। यहाँ से 2/5 बाहर लिया, बचा क्या, 1/4, ये यहाँ आ जाएगा। माइनस के साथ है, प्लस के साथ है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। स्पेस कम है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पहले लिखी नहीं थी, मैंने एलसीएम यहाँ कर दिया, कोई नहीं, थोड़ा सी हिंट समझ आएगा, कम्यूटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लग गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम मैंने यहाँ लिया है, कुछ बच्चों का एलसीएम नहीं लेना आता, उसके लिए मैंने एलसीएम भी शो कर रहा हूँ यहाँ पर। 14 और 7 का जब एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 7 जा 7, वैसे के वैसे आ जाएगा, 7 के टेबल में 1 जा और 1 जा, 2 7 जा 14। अब ये 14 हमने देखना है 7 के टेबल में कितनी बार आता है, 14 7 के टेबल में 2 जाता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस साइन वैसे के वैसे आ जाएगा, इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस 14 के टेबल में 14 1 जा, इंटू 1 ऊपर से, और ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, फिर ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये अंदर कैलकुलेशन होगी, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 × 3 = 6, प्लस साइन आ जाएगा, 1 × 1 1/14 ब्रैकेट क्लोज -1/4। फिर ये स्टेप ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, स्टेप ग्रेटर का साइन आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/14, फिर ये वैसे का वैसे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद है, यहाँ पर जब कोई साइन नहीं है, जो ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा तो हम इसे ऐसे से काट सकते हैं। ठीक, 5 1 जा 5 1 जा, 1 यहाँ लिख दिया। और अगर आप एक कैलकुलेशन और करना चाहते हो तो एक और कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर, मैंने नहीं करी, कोई बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो, या 7 यहाँ पर 2 1 जा 2 7 जा भी कर सकता था, चलो कोई बात नहीं, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो मैंने क्या करा, फिर इसकी कटिंग कर दी है, अब ये 2 1 जा 2 और माइनस का साइन था, माइनस आ गया, वो प्लस माइनस माइनस, 1 × 14 14, और ये ऐसे का ऐसे कॉपी हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, कुछ बच्चे वीक है उनके लिए, 14 और 4 का, 2 के टेबल में 7 जाता है, 2 के टेबल 2 में आता है, फिर 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 के टेबल में 1 जा और 7 के टेबल में 7 जा, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 28 एलसीएम आ गया। और 14 के टेबल में 28 कितनी बार जाता है, 2 जा जाता है, माइनस साइन आ गया यहाँ पर, इंटू 2, माइनस साइन फिर नीचे आया। अब 4 के टेबल में 28 कितनी बार जाता है, 4 के टेबल में 28 7 जा जाता है, 7 × 1, फिर 2 2 जा 4, माइनस साइन आ गया, देन -7 × 1, -7/28, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ -11/28, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। सो इस एक्सरसाइज में इस तरीके के 2 ही क्वेश्चन थे जिसमें कि प्रॉपर्टी यूज होती है, बाकी एग्जाम्पल दे रखा है, example 5 है, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा रखी है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही बहुत है,
जिसको किसी को किसी को भी कोई क्वेरी हो वो मुझे मेरे कमेंट्स कर सकता है नीचे, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल अब मैं इसी इसी के थ्रू पढ़ाऊँगा जब तक लॉकडाउन है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, जो कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, और इसका यूटिलाइज़ करें, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिलेबस एकदम खींचना पड़ेगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, अपने स्कूल के हों दूसरे स्कूल के हों, सबको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।